तड़का तड़का तैयार हो लिया, 7 सवा 7 हो रहे हैं। आज जावा बाड़ों की साइड एक्सप्लोरेशन खातर, अपने एक PhD स्कॉलर है लेके जाऊंगे सारे ने, तो देखांगे ट्रेन पकड़ांगे थाने सर तक, ट्रेन पकड़ के और फिर चल पाएंगे। चलो तुम्हारा एक दोस्त और तैयार होने लग रहा, उसने और देखा एक बार पहले तो किस कदर शांति, इतनी वक्त तक उठता कौन है ये। आय हाय हाय, यो हमारा दोस्त का कमरा है, यो अपना भाई मोहित भाई, अरे वो अपना सुनील भाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुबह सुबह किस कदर शांति है पूरी, देखी दूर दूर थी कोई कौन नहीं। और 2 घंटा बाद इस रोड पर ऐसा जाम लग जाएगा ऐसा, मेरे भाई दिल्ली में भी कोनी होता ऐसा जाम, बता मोहित। यो मेरे भाई, यो रोज गार्डन सबेर सवेरा लागा तो सुतरा है, देख कितना प्यारा। हाँ हाँ क्या बात है मेरे भाई। वैसे तो इसमें सब दिन भीड़े रही जाया करे, फिर आज तो ठीक से सबेर सवेर भीड़े है। पहुंच गए हाँ रेलवे स्टेशन पर, और भीड़ हो रही है थोड़ी सी, दिखावा और ये बंद हो रहा है, कंस्ट्रक्शन काम चल रहे हैं। अरे तेरी को लिंदा यार, ये भीड़ हो रही है। ये है परली साइड ने, ये नया बनल लग रहा है, अरे छोटा सा बना रहा है। कलायत कलायत कौन 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 था, कौन था दो को दुनिया रे। सब ट्रेन एक तो है ना, नू बोले 8 बजे आओगे, 8 बजे आओगे, 8:30 तो ट्रेन आई है, 1.5 घंटा लेट नू हो गए ट्रेन लेट के कारण है, इब जाके पहुंच जाएंगे, सांझ हो जाएगी, लेकिन कोशिश पूरी है, आकाश कवर कराएंगे। अरे सर से हमें बार्गेनिंग करने लग रहे हैं, टम्पू वाला तो मतलब के क्या शुद्ध हिंदी में बोले तो ऑटो, नू तो है टम्पू, इन तो बात करने लग रहे हैं, ये खान पीन लग रहे हैं, माम से बेर की भूखे मरने लग रहे हैं, के होगा भाई रहा। अरे कड़ायत का नज़ारा, ये भाई साहब बता ऑटो में बैठ के तने किसा लागन लाग रहा है भाई। फिलहाल तो अभी बहुत मजा आ रहा है, बाकी देखते हैं आगे जाके क्या होता है। ओए भाई ये तो तिगड़ाना साइड पर था। हां ये वो है भाई, जो तिगड़ाना साइड पर था। अरे ऑटो तो मनु ये घूम, बाकी तो टेंपू है, पुंडपुंडिया का है, कहते पुंडपुंडिया चीज आ गई है अपना श्री कपि मुनि धाम कला है, इसमें देखेंगे फिर आगे। ये भाई साहब कलायत का मंदिर है, वाह क्या व्यू इसका, बहुत मस्त है। ये दिखा है छोटी छोटी ईट है, इसमें छोटी छोटी ईट यूज़ हो रही है हमारी क्लासमेट से, देखो छोटी छोटी ईट क्लास वाले सारे। गुज्जर पड़ती आ रहा है टाइम में 7वीं शताब्दी, उस वक्त पंचायतन एक शैली होती है मंदिर निर्माण, उस शैली में 5 मंदिरों का समूह यानी कि पंचायत है, तो वो बनाया गया। इसमें से आज अभी जो बचा हुआ है वो सिर्फ ये एक ही है जो वहाँ दिखाई दे रहा है। और कहते हैं कि जब महमूद गजनवी लूटने के इरादे से भारत आया तो वो यहाँ से होता हुआ थानेसर की तरफ निकला, तो इस मंदिर को इसलिए उसने नहीं तोड़ा क्योंकि इसमें शिवलिंग था ही या कोई मूर्ति थी, ये लोक कथा है ऐसा लोग मानते हैं। इसके अलावा क्या था कि किसी देश का राजा कोई एक जो इधर आया हुआ था, चालुक्य चोल चालुक्य थे, उन्हीं में से कोई एक राजा यहाँ आया हुआ था, पर वो उस टाइम क्या था, एक बीमारी, उसको एक बीमारी लगी हुई थी, शायद स्किन डिजीज हो सकता है, तो जो ने कोई शिकार करने के लिए जब तीर चलाई तो वो तीर मिट्टी में ज़्यादा सी शिकार तो निकल गया, पर जब वो तीर निकालने के लिए गया ना, जैसे तीर उठाने लगा तो जो उसका हाथ था वो पूरा का पूरा मिट्टी में सड़ गया, यानी कि बारिश आके गारा जैसी हो गीली मिट्टी हुई, तो जैसे उसके हाथ के लगी ना तो कुछ वक्त बाद उसको आराम मिल रहा, तो उसके बाद उसने ये तालाब खुदवा,
ये खुदवाने की वजह ये थी कि जितने भी मतलब संसार में जो लोग हैं जो स्किन डिजीज से परेशान है या अदर कोई प्रॉब्लम है, तो इस मिट्टी में हो सकता है कुछ ऐसे मिनरल्स से वो ठीक हो रहा है, इसलिए उसने उस कुंड का निर्माण करवाया। तो वो चालुक्य कल कोई राजा था, ये असली व्यू। तो ये तो कितना सुंदर मंदिर है और ये इसका व्यू है। इसमें लगभग सारी छोटी छोटी ईंटें यूज़ कर रखी ना सर इसमें, और ये शायद दोबारा बनाया गया। इसमें देखो कुछ बड़ी ईंट है और नीचे के पार्ट में कुछ अलग है, रिकंस्ट्रक्ट है सारा। ये यहाँ तक तो ये देखो ऐसे अलग अलग ईंट हैं कि वो तो सातवीं शताब्दी की बात हो रही है ना, ये गुजर पट्टी आरा के टाइम में ये वाला टेंपल बनवाया गया। पंचायत शैली का ये मंदिर है जो खजुराहो और भुवनेश्वर में मिलते हैं। ठीक है, ये तैयार की गई फिर ये पकाई गई। और ये पांच ऐसे मंदिर थे इसके शायद चारों तरफ थे, एक वो भी है वो रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। तो देखो तो कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह भी थी, देख ले रहा पवित्र हो जाओगा तू भी के उसी वक्त की है ये। सातवीं गुजर प्रति ये जो डिजाइन है जबरदस्त डिजाइन है, एक ईंट के ऊपर बनाया गया ये डिजाइन। अंदर है ये शिवलिंग। अच्छा हाँ ये और क्या रे ये पागल ये उसी वक्त का है, ये गुजर प्रतियार टाइम बुला ना सबने। हालांकि तोड़ा तो गया है ये। हाँ, हाँ, ये तोड़ रखा सर, कोशिश की गई है तोड़ने की। अभी इसी के अंदर ये मेन शिवलिंग, ये नंदी जी है और ये घंटी और ये इसका टॉप। यार बहुत जबरदस्त है, पूरा ऊपर कुंड रहा एक कॉर्नर। ये मेन शिवलिंग है। मैंने सोचा कि आधा फोटो खिंचवाऊंगा, फिर मैं थोड़ी देर सोच के देखा कि मैं एक बार इनका नहीं देखूं, फिर मैं सामने दिखाऊं। देखो ये सारे फोटो फोटो को ला कर दे फोटो सारे सस्ते हैं बाद के। ये शायद जैसे पंडित वगैरह के लिए नहीं होते सर, हो सकता है ना सर उन्हीं के लिए लग रही है। इन्फॉर्मेशन लिख रखी है भाई, ये लिख रहा है कि हिंदी में है। हाँ मैं आधी गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा, चाहे मैंने पहले ही दिखा दिया भाई बोर्ड। ठीक है ना, सारे फोटोग्राफी का लागे एक वो भी लाग रही है। चले हम दूसरे मंदिर में, इसी के पार्ट में, इट्स पार्ट ऑफ इसी मंदिर का कुछ भाग है भाई। ईट की जबरदस्त स्ट्रक्चर ऊपर अब तो चेंज करते दिखा, बट लग तो पुराना ही रहा है। ये भी है इसका लाइटिंग इफेक्ट काफ़ी अच्छा है इसका, और जो ये हाउसिंग टाइप स्ट्रक्चर है देखियो, मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे पंडित वगैरह का जैसे नहीं होते थे एक दो कमरा, हाँ तो शायद इंक्लूड होगा इसके अंदर ही। देखो इसके अंदर ये भी ओवन ओवन वगैरह खाते जो यूज़ हुआ ना वेदिका वगैरह वही है, और अच्छी खासी स्ट्रक्चर बनाई है। ये भी हैं कुछ ऑलमोस्ट पार्ट इसके लॉक्ड है, बट ये इसका कोई पुराना पार्ट और है। ये काफ़ी ज़्यादा चूने से इसकी वो की गई लिपाई लिपाई पुताई की गई है वाइट कलर की, चूना है कहीं से, और बहुत सारा डैमेज भी है अंदर से। और ये दिख रहा है और अंदर से कुछ कलर भी है इसके अंदर, देखो ध्यान से तो कलर किया गया है, कलर कलर रंग रंग गया। भाई किसी ने कौन बेरा मेरा हाथ है टूट गया, बेरा भी नहीं लगना चाहिए किसने की हो क्या। ये है अंदर से हट्टी, ये है शिव का, ये शिव का मंदिर फ्रंट पे थी वो खराब। और ये इसके अंदर काफी अच्छी चित्र बनाए गए हैं कुछ, काफी मतलब अब तक सर स्टेबल है ये तो काफी अच्छी बात है। इसके अंदर ये इसका टॉप है यानी कि अब तक है, इनका प्रिंट है काफी पुराना। ये प्रिंट भी उसी टाइम का है, कुछ 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 जगह फैड है लेकिन कुछ कुछ जगह एकदम क्लियर विजन है, ऊपर पे टॉप पे है। ये हो सकता है, ये दान पत्र हो सकता है ना वैसे।
कुछ भी हो सकता है, दान पत्र वगैरह, ये शिवलिंग, ये शिवलिंग नर्मदा वगैरह में। सर वो एक नदी भी तो बताते हैं जिसके अंदर सच हर एक शिवलिंग नर्मदा ना सर, हाँ तो वही है। आज अगर है ना वे जिंदा होते ना तारे विचार सुन के ना खुद सुसाइड कर लेते, इसे इसे विचार देंगे सारे। रोखा यहाँ से दिखता था पूरा व्यू, चलो मैं दिखाता हूँ, ये तो रोखा यहाँ से पूरा व्यू दिखता था कितना मस्त। खज पर लिया टम्पू भरे खड़े क्या भी है, कित गया कोई नहीं, अरे देख ले एक बार क्या भी है, क्या मारा है, कितनी है निर्माण की, निर्माण की पंजाब के पंजाब में एक है लेज है शायद एक ऊपर के पास में, तो वहाँ से जब बाड़ा की खुदाई हो रही थी तो वहाँ से जो वेयर्स मिले वैसे ही सेम उस टाइम पीरियड के 1500 से 1720 के आसपास के जो लेटर यहाँ देखिए यहाँ पे जो लेटर डब्बन है वो बाड़ा वेयर माना जाता है, स्टाइलिस्टिक डेवलप स्टाइलिस्टिक बाड़ा वेयर, उसमें क्या आएंगे डिसऑनस्टैंड और ऐसे वो परफोरेटेड जार तो बहुत मिले सर, और डिस्क, हाँ डिस्क वाले भी सर, पता है किसी को यूज किया कॉपर पीस पाया गया है, और टेराकोटा की बैंगल तो मतलब बेअंत पड़ी है ना, कितनी है लिस्को कोई भी जो एक्सप्लेनेशन हुई थी ना ये एरिया देखो क्या, हां सर ये देखो सेक्शन दिख रहे होंगे, हां ये अभी खेत बना दिए सर शायद इन्हें बीच में कट करके, देख सेक्शन दिख रहे हैं सर इसमें से, पता ये टिल्ला अब भी किसी का प्रॉपर्टी राइट्स है इसके ऊपर, और मन लगे सर उस तरफ से ये पूरा था ना सर ऐसे जैसे, पर ये जब पूरा एक्सक्वेट हो जाएगा ना तो उस खेत वाले का हो जाएगा ये बात, हां यही लग रहा पर सर ये तो ये करण रहे हैं सारे जने टोन आड़ा पी टोन लग रहे हैं कि पाएगा तो बैंगल तो मिल गई टेराकोटा की, और एक ऊपर का पीस मिला है, बाकी दो भाई भी लग रहे हमारे टीम मेंबर कुछ उधर है और उस साइड है, टोटली लग रहे हैं साइड पर एक्सप्लोरेशन, जो भी मिलेगा देखेंगे, किसी ने आड्डी पाई है तो किसी ने किमें पाया है, एक ने बीड भी पाया है अभी देखेंगे किसी के रही पागी है कि दीवार हटी हो रहे मुश्किल तो यह पागी है दीवार ही दीवार दिखा है, इसमें ये ईट दिखन लग रही है, इट्स ब्रिक मटेरियल और ये येलो कलर का मटेरियल है, ये ब्लैक है ब्लैक सोइल से है आसपास में, और ये दीवार उस साइड है या फिर ये कार है घूम रही दीवार और आस पास का एरिया ये होगा, यो इसका एरिया है आड़, बस थोड़ा सा एक काम गलत कर रहा है ना गांव घुमा है नाड़ का मटेरियल कम है, यो मेटेरियल गिर रहा है खड़े ईट आट गिर दी बचोड़ा सामान ये कचरा पचरा में मिला था, जिससे थोड़ी सी मुश्किल हो जाए सामान ढूंढ दिया ना कुछ भी मतलब मिला है तो एक बार डाउट हो जाए कि इसके साथ तो नहीं आ गया है कुछ जाते, तो थोड़ा सा सावधानी से देखना पड़ा है। यो अपना आशीष भाई है, यो आशीष भाई है, बाकी वो ला गिरे भाई अपने सारे, वो अपने सर आना है सुमित सर, सुमित सर आना है वो बात करना, बाकी ओपन एरिया है काफ़ी बड़ा एरिया है, उस साइड भी है थोड़ा मोटा एरिया देखा है आगे लेना, एक और दीवार मिल गई, यह भी दीवार है इस ब्रिक्स के साथ में, लेकिन यह बहुत ज़्यादा मट्टी में बहेगी, अरे दिख तो रही है मतलब ये खराब होगी ना बारिश के साथ है मौसम, हाँ ये एक्सीवेशन करेगी तो बताएगी क्या होगी। यो हवाई पूरा एक पोर्ट आधा पीस है, लेकिन ये पूरा देख कई दिन मैंने फियांस मिला कर रहा देख ध्यान तो देखे देख मिल गया ना, ये फियांस का पीस है भाई, फियांस का तो ना यार को डोरी तो नहीं काट के जा रहे अरे सेम कलर है एकदम डिटो, डोरी कट करके जा रहा भाई को एकदम सेम कलर है वो तो, चलो कोई बात नहीं, अरे मॉडर्न चूड़ी भी तो मिला है ये देखने ही भूल गई,
और तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। यो के है, ये विडोरी का पीस है, उड़ा जाके देखेंगे केरा का, उड़ा भाई जा रहे हैं। बाकी देखते हैं खेत के बीच में को है कि खेत में थोड़ा हिस्सा बीच में छोड़ दिया, बाकी जोड़ा सेक्शन पहले वो थे सेक्शन सुक्शन बनाए थे उड़ा सारा कट करके वो एरिया का खेत बना दिया भाई। और वो भाई लाग रहे हैं सर के साथ में वो बात कर, और ये फोटोग्राफी चल रही है। बीड मिल जाएगा अपने मिट्टी का एकदम बेस्ट बीड है, छोटी मोटी और टेराकोटा बैंगल मिली है। और भाई बाकी देखने लाग रहे हैं कॉपर की बैंगल, अगर इसको वॉश करेगा ना तो इसकी शेप बिगड़ जाएगी। इतनी सी थी है बार मेरे को लगा। हाँ जो है कॉपर ये तो मेटल में आ गया, और जो फियांस है वो मेटल में ना आता, नॉन मेटल है वो अलग चीज है, वो अलग मिक्स। हाँ जी बना ली जी, बड्डी बना ली, छोटी बना ली, ये देखो कॉपर की पूरी बैंगल मिली है। ला भाई ट्राई करा दे फिर, ये तो कड़ा है बैंगल भी नहीं, टूट जाएगा सर इतना वो मजबूत ना दिखता है। मधुमक्खी का पालन होने लग रहा है, साइट साइट का नाम कर रखा है, कुछ नहीं साइट के नाम पर कुछ नहीं बच रहा, नहीं चुकर दे खेत खेत कर रखे हैं। ये हमारे टीम मेट्स हैं सारे थक लिए हैं, बाकी कुछ जोश है ही भी भाई। सारे बढ़िया बढ़िया चीज़ पा गई हैं, परफोरेट जार पाया है, किसे एक छोटा पॉट है उसका भीस भी पाया है, और जो कॉपर बैंगल है कड़ा जिसने बोला हम टाइप में वो भी बहुत बढ़िया एक नंबर, फुल फुल पहली बार इतना अच्छी शेप में मिला कि कंप्लीट मिल गया। और कुछ फियांस की बैंगल मिली हैं, और फियांस के साथ अपना इसकी स्टेटाइट के मिले हैं, कुछ बीड्स मिले हैं, और टीसी का बीड भी मैंने मिला है, और कॉपर का एक छोटा सा पार्ट कुछ प्लेट टाइप है उन्हें पता किए है वो भी मिला है। बाकी और अभी जान ला के वापस पैकअप देखते हैं क्या मिलता, अगर जाते टाइम भी कुछ मिल जाए तो अलग बात है। धागा पौधा मिल गया चिरकार, ये हाँ सर ये पाउडर वगैरह बना के लेट हड़प्पन का लेट हड़प्पन पोर्ट बिग पोर्ट, और सारे हो गए तैयार। पुट्टो वाले अंकल है रेडी चलने के लिए, ये ताई बैठे रहे पानी बोतल लगे हम पहुंच गए कलायत, यहाँ से जाएंगे कुरुक्षेत्र।